नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो डैम होता है अर्दन डैम, उसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड कौन सी होती हैं, और दूसरी बात जो फिल्टर वर्क है वो डैम में क्यों लगाया जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली और पेन के माध्यम से दोनों की जो वीडियो है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको समझ आएगा कि फिल्टर डैम में क्यों लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है और कैसे इसका वर्क रहता है। दोस्तों सबसे पहले तो अपन जो डैम होता है उसमें समझ लेते हैं कि जो एक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड कौन सी होती है। जैसे कि मान लो एक रिवर बहती हुई, एक रिवर जा रही है, तो उसमें कौन सी अपस्ट्रीम और कौन सी डाउनस्ट्रीम साइड होगी। दोस्तों जैसे ये रिवर बहती हुई जा रही थी पहले, और अपन ने यहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो ये हो गई अपनी डैम लाइन। ये डैम लाइन हो गई, ये हो गया इसका डाउनस्ट्रीम साइड, और ये साइड को बोलेंगे यहाँ पर पानी स्टोर होगा, ये अपस्ट्रीम साइड हो जाएगी, ये डाउनस्ट्रीम साइड हो जाएगी। अब दोस्तों इसको बनाने के बाद अपन देखेंगे कि कुछ ये इस प्रकार से अपन को नज़र आता है अर्दन डैम, इस प्रकार से ये कुछ रहता है, इस प्रकार से ये रहता है। दोस्तों इसमें एक मेन बात और है कि यहाँ पर इसका इस पोर्शन को तो बोलते हैं कोर, ये हो गई डाउनस्ट्रीम साइड, ये अपस्ट्रीम साइड, और यहाँ पर ये पानी स्टोर रहेगा, यहाँ पर ये पानी स्टोर रहेगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जो डैम होता है, ये है डैम लाइन, ये डैम लाइन है, ये इस प्रकार आगे चली जाएगी। और अब देख दोस्तों यहाँ पर पानी भरा है, अगर मान लो अपन ने फिल्टर इसमें नहीं लगाया, तो फिल्टर नहीं लगाएंगे तो जो में जो फ्रियटिक लाइन होती है टॉप मोस्ट फ्लो लाइन, वो अगर वो पैराबोला शेप में वो इस प्रकार से निकल जाएगी अगर अपन ने फिल्टर नहीं लगाया तो। इस प्रकार से जो डाउन स्ट्रीम साइड की दीवार है उसको क्रॉस करते हुए ये बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों होगा क्या, जब डैम में अगर फिल्टर नहीं लगाया अपन ने, मान लो अगर यहाँ पर फिल्टर वर्क नहीं है, तो उस केस में यहाँ से टॉप मोस्ट फ्लो लाइन इधर फ्लो होते होते साथ बहती जाएगी, और पानी के साथ अपने मिट्टी चलती जाएगी यहाँ से आगे, तो इस प्रकार से यहाँ पाइपिंग बन जाएगी। हो सकता है पाइपिंग इधर से गई तो ये पानी मिट्टी अपने साथ ले जाएगी, ये पाइपिंग बनने के कारण डैम फेनोमेना, ये पाइपिंग फेनोमेना के कारण डैम फेलियर हो जाएगा। और हो सकता है कि पाइपिंग यहाँ से भी बने, अगर अपन ने फिल्टर नहीं लगाया तो इसकी वजह से भी ये डैम फेल हो जाएगा। तो इस सभी प्रॉब्लम के लिए डैम में, यहाँ पर जो डैम होता है, ये डैम है, ये इसकी डाउनस्ट्रीम, यहाँ पर ये टो है, तो यहाँ पर फिल्टर लगाया जाता है। यहाँ पर पहले तो छोटे छोटे स्टोन, फिर थोड़े हैवी स्टोन, फिर और भी बड़े जो बोल्डर हैं उनको यहाँ पर कॉम्पैक्ट करके जमा दिया जाता है। फिर यहाँ से जो पानी जो सीपेज होता आएगा उसको यहाँ कलेक्ट कर लेंगे, और वी नोज के माध्यम से उसको डिस्चार्ज को मेजर कर लेंगे। तो दोस्तों जो अपने जो फिल्टर लगाया अपन ने यहाँ पर, तो उसके क्या वर्क हुआ, उसके लगाने से अपन का जो अपन डैम में पाइपिंग एक्शन हो रही थी वो पाइपिंग एक्शन बंद हो जाएगी, और जो सीपेज है सीपेज को भी अपन इसके फिल्टर के माध्यम से कम कर सकते हैं, सीपेज को कम कर देंगे, पाइपिंग डिक्रीज हो जाएगी, और जो जो सीपेज है उसको ड्रेन और कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करके ड्रेनेज लाइन्स दूसरी जगह ले जाएंगे, और इससे डाउनस्ट्रीम साइड में जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। और दोस्तों अब इस वीडियो में आगे चलकर आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे ड्रेनेज है वो लगाया जाता है साइट पर अर्दन डैम में। तो चलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखिए, आगे आपको प्रैक्टिकली दिखाया है, और कैसे जो सीपेज आता है डैम में वो भी इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे पानी सीपेज होकर आता है। तो दोस्तों आप जो इस प्रकार स्क्रीन पर जो देख रहे हैं सामने, इस प्रकार से तो इसकी जो बनावट है फिल्टर की वो रहती है। आप देख सकते हैं कि इस ये ट्राइंगल शेप में ये बनाया जाता है डाउनस्ट्रीम साइड में, कैसे स्टोन आप जमाए हैं वो आप देख सकते हैं, और आगे आप देखेंगे कि इसमें कैसे जो सीपेज है डैम के नीचे से वो निकलता हुआ आ रहा है, कैसे बहता हुआ जा रहा है, वो भी इस वीडियो में आप देखेंगे।
दोस्तों अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो डैम है उसमें जो फिल्टर कैसे रहता है, तो आप देख रहे हैं कि ये फिल्टर है और सामने जो जीप खड़ी है वो डैम लाइन पर जीप खड़ी हुई है। ये तो है डाउन स्ट्रीम साइड, और उसके आगे की साइड जो पानी भरा हुआ है वहाँ पर है वो अप स्ट्रीम साइड है। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल शेप में कैसे जमाए हुए हैं, नीचे छोटी छोटी गिट्टियाँ वो दिखेंगी। और यहाँ पर अभी ये फिल्टर वर्क होना भी बाकी है, यहाँ तक अभी इससे आगे थोड़ा फिल्टर वर्क होगा। और जो आप यहाँ तक बने हुए देख रहे हैं, यहाँ पर ये बना हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि जो डैम से सीपेज है वो कैसे आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। डैम से सीपेज आप देख रहे हैं कि जो सामने यहाँ पर पानी आपको नज़र आएगा वो सीपेज होता हुआ डैम के नीचे से आ रहा है। देखो ये सामने जो पानी दिख रहा है आपको, उखड़ता हुआ पानी ये डैम के नीचे सीपेज होता हुआ आ रहा है। तो फिर यहाँ पर ये फिल्टर होने की वजह से बस पानी पानी आएगा और मिट्टी है वो वहीं की वहीं रहेगी, तो डैम में पाइपिंग जो फेनोमेना है वो जनरेट नहीं होगी। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, चलो बताना कैसा लगा ये वीडियो आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।